तो हम ड्रामा के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वैम्पायर बोल रहा होता है कि बेवकूफ़ लड़की, इंसान हमारा शिकार है। फिर क्रोमियो क्लास के अंदर जाता है और वहाँ पे बाहर खड़ा हो जाता है। फिर क्लास की मॉनिटर तकाकी उसे देख लेती है। वहीं पर मकाटो आती है जो कि उनकी इंग्लिश की टीचर होती है। फिर तकाकी देखती है कि वह लड़का वहाँ पे नहीं है। फिर तकाकी कहती है, मैंने बाहर एक लड़के को देखा है। फिर उसकी बात सुनकर मकाटो बाहर देखने जाती है। फिर क्रोमियो स्कूल से बाहर निकल जाता है। जब क्रोमियो जा रहा होता है तभी डॉगी भौंकने लगता है। जब क्रोमियो उसे देखता है तब डॉगी शांत हो जाता है। फिर क्रोमियो देखता है कि अचानक से मौसम ख़राब हो चुका है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि हमारे क्लास में एक लड़के ने एडमिशन लिया है। फिर बिजली कड़कने के कारण मकाटो उसे पकड़ लेती है। फिर मकाटो उनसे माफ़ी मांगती है। फिर प्रेसिडेंट बोलता है, क्या तुम ठीक हो? फिर प्रेसिडेंट कहता है, क्या मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट दे दूँ? फिर मकाटो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे पास अम्ब्रेला है। और बारिश में क्रोमियो खड़ा रहता है। फिर वहाँ पे एक साइकिल वाला क्रोमियो को ठोक देता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है। फिर क्रोमियो अपने पावर से उस साइकिल को गिरा देता है। फिर वहाँ से चला जाता है और क्रोमियो को चोट आ जाती है। जब मकाटो जा रही होती है तभी वह एक लड़के को देखती है। उसे लग रहा होता है कि वह अभी मरने वाला है। फिर मकाटो कहते हैं कि तुम मेरे से बात करो। फिर मकाटो उसकी चोट देख लेती है और फिर कहते हैं कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जैसे ही मकाटो उसकी शक्ल देखती है वह एकदम से खामोश हो जाती है और उसका छाता नीचे गिर जाता है। फिर मकाटो पूछते कि तुम कौन हो? फिर क्रोमियो उसका हाथ छुड़ा के वहाँ से चल जाता है। फिर हमें वही वैम्पायर दिखाई देता है जो कि पहले सीन में दिखाई दिया था। फिर मकाटो न्यू स्टूडेंट को देखती है। जैसे वो उसे देखती है तो वह सोचती है कि ये तो वह ब्रिज वाला लड़का है और उसका नाम क्रोमियो होता है। फिर मकाटो कहती है कि तुम्हारा क्लास में पहला दिन है, कल तुम्हें चोट लगी थी। फिर उस चोट को देखने लगती है। फिर मकाटो ये देख कर चौंक जाती है कि उसका घाव मिट गया। फिर वह अपना हाथ खींच लेता है। फिर मकाटो क्रोमियन को सभी स्टूडेंट से मिलाती है कि ये रोमानिया से अभी जापान शिफ्ट हुआ है। और क्रोमियो को देखकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे हीरो तो बहुत ही लेट हो जाता है और छुपके छुपके से अपने बेंच पे बैठने वाला होता है। तभी वहाँ पर क्रोमियो बैठ जाता है। ये देख के मकाटो उसे आगे वाली सीट पर बैठा देती है। और क्रोमियो को धूप पसंद नहीं थी इसलिए वह छाता खोल लेता है। फिर सब लोग को मालूम पड़ता है कि क्रोमियो रोमानिया से आया इसलिए उसको धूप में रहने की आदत नहीं होगी। बाद में क्रोमियो हिरोतो की जगह पर बैठ जाता है। फिर सारी लड़कियाँ उसको मिलने के लिए आ जाती है पर क्रोमियो को ये पसंद नहीं होता है इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। और इन सब से बचने के लिए वह बॉयज़ वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ पर उसका वैम्पायर दोस्त आ जाता है। और उसका वैम्पायर दोस्त बोलता है कि तुम्हारे अभी तक नुखेल दांत नहीं आए हैं। अच्छा है ना, क्लास में बहुत से लड़कियाँ हैं, तुम्हें उसमें से एक लड़की का खून चूसना पड़ेगा। तुम पूरी तरह से वैम्पायर नहीं बने हो, बस तुझे वही लड़की चूज करनी है जो कि तेरी किस्मत में लिखी है। फिर हीरो तो वॉशरूम से बाहर निकलता है। फिर कहता है, ये लड़कियाँ बहुत शोर करती है ना। फिर वह कहता है, तू चुप क्यों है? बाहर लड़कियाँ खड़ी हुई होती है। फिर हीरो तो कहता है, क्या सब शांत रहो। फिर वहाँ पे मकाटो आती है और देखती है कि ये भीड़ क्यों है। फिर वह देखती है कि क्रोमियो कन पियानो बजा रहा है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि स्कूल की लड़कियाँ ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे कि उनका प्रिंस आ गया हो। फिर मकाटो कहती है कि क्रोमियो एकदम मेरे फर्स्ट लव की तरह है। फिर वाइस प्रेसिडेंट मजाक में बोलता है कि मेरा दुश्मन आ गया। फिर वह कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे फर्स्ट लव को गए तो बहुत दिन हो गए। बाद में मकाटो क्रोमियो कन को जाते हुए देखती है। फिर वह मकाटो को अपने मॉम के यहाँ डिनर पर ले जाने की बात करता है। फिर वह हाँ कर देती है। फिर क्लास की लड़कियाँ क्रोमियो का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाते हैं। बाद में वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि क्रोमियो को एक रेस्टोरेंट पर लेके जाता है। फिर क्रोमियो अपने मुँह पर हाथ रख के अपने रूम में चला जाता है। फिर कस्टमर के सवाल करने पर वह कहती है कि क्रोमियो हमारे दूर का रिश्तेदार है। ग्रैंडपा मोम और सिंजो क्रोमियो के आने पर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्रोमियो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढ के अपना काम पूरा करना होगा। फिर वह अपने पियानो सिंह को याद करके अपने फर्स्ट लव के बारे में याद करती है। बाद में वह अपने फर्स्ट लव का फोटो देखती है। फिर सुबह होने के बाद में मोम और सिंजो क्रोमियो को उठाते हैं। जैसे ही वह पर्दा खोलती है क्रोमियो की आंखों में बहुत जोर से रोशनी गिरती है इसलिए वह नीचे गिर जाता है। फिर वह सभी उसके स्कूल के फर्स्ट डे के बारे में पूछते हैं पर वह बिना खाना खाए खड़ा हो जाता है। फिर स्कूल जाते समय क्रोमियो एक लड़की के पीछे जाने लगता है। फिर सिंजो उसे सीधे सीधे स्कूल जाने को कहता है। फिर सिंजो तकाकी को देखकर गुड लक बोल के भाग जाता है। फिर तकाकी क्रोमियो को देखकर शर्मा रही थी पर क्रोमियाकन की नज़र उसके गर्दन पर ही थी। बाद में बोर्ड नीचे गिरने लगते हैं पर क्रोमियाकन उसे पकड़ लेता है। फिर तकाकी को लगता है कि उसने मेरी जान बचाई है पर वह उसकी गर्दन को काटने वाला होता है। तभी वह रुक जाता है। फिर तकाकी दवा लगाते हुए कहते हैं कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? फिर वह कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैंने ये फीलिंग तो कब की खो दी है, तुम मेरी फेवरेट गर्ल नहीं हो।
फिर एक लड़की क्रोमियो के चोट के बारे में पूछने आती है, पर क्रोमियो उसको खींच के लेके जाता है और वहाँ पे बिठा देता है और पर्दे बंद कर देता है। फिर क्रोमियो को ये करते देख तकाकी वहाँ से चली जाती है। फिर क्रोमियो को मिलने के लिए गर्ल्स लाइन लगा रही होती है, यहाँ तक कि मकाटो जो कि इसके स्कूल के टीचर है उसको भी अंदर नहीं आने देते, उसे भी लाइन में लगने को कहती है। फिर मकाटो क्रोमियो के चोट के बारे में पूछती है पर वह रोते हुए भाग जाती है। और उस लड़की को लगता है कि उसके साथ रोमांस करने वाला है, जैसे ही क्रोमियाकन उसे काटने वाला होता है, पर उसके करीब आने पर भी उसके वैम्पायर दांत बाहर नहीं आते। फिर वह बाहर आते समय खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पाती थी। यह देखकर मकाटो रूम में आ जाती है। फिर मकाटो पूछती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? फिर क्रोमियाकन कहता है कि पता है, मैं अपने फेवरेट गर्ल को ढूंढ रहा हूँ। फिर मकाटो कहती है कि ये सपने देखना बंद करो, ये स्कूल है समझे। फिर वह उसके गले पर हाथ रखता है। फिर मकाटो कहती है कि अब ये क्या है। फिर क्रोमियाकन कहता है कि तुमसे अच्छी तो वह लड़की थी। यह बोल के वह से चल जाता है। फिर मकाटो जोर से कहती तुम। फिर वापस शुरदा आता है जो कि स्कूल का टॉपर होता है। वह कहता है कि इसके पास तो लड़कियों को अट्रैक्ट करने की शक्ति है। फिर कुछ लोग उससे बॉल फेंकने को कहते हैं, पर वह वहाँ से चला जाता है और क्लास की सारी लड़कियाँ उसके पीछे भागने लगती है। बाद में क्रोमियो रास्ते पर जाती हुई सभी लड़कियों के गर्दन को देखने लगता है। जब वह ड्रिंक खरीद रहा होता है तभी उसके वैम्पायर अंकल आ जाते हैं। बाद में वह कहते हैं कि मेरे साथ चलो। बाद में वहाँ पे मकाटो आती है और पूछती है कि क्रोमियाकन यहाँ पे है, और वह लोग कहते हैं कि पर क्रोमियाकन तो अभी तक नहीं आया। जब वह क्रोमियाकन की और बातें कहने वाली थी, वह लोग उसे खाना खाने बिठा देते हैं और वह उसके अंकल के घर पर चला जाता है और एक लड़की को बिस्तर पर पड़ा हुआ देख बोलता है कि ये मर गई है। फिर उसके वैम्पायर अंकल बोलते हैं कि नहीं, ये जिंदा है। फिर उसके वैम्पायर अंकल उस क्रोमियाकन के सामने उस लड़की का खून चूस के बताते हैं और कहते हैं कि अब तेरी बारी। फिर क्रोमियाकन उस लड़की के करीब जाता है, फिर कहता है कि मुझसे ये नहीं होगा। फिर उसके वैम्पायर अंकल बोलते हैं कि तुम जल्दी सीख जाओगे। क्रोमियाकन कहता है कि मुझे इंसानों से नफरत है, उनके फालतू के इमोशन से, और उसे एनिमल ब्लड पीने को बोलते हैं। यहाँ पर मकाटो अपने फर्स्ट लव के बारे में बताती है, उसकी क्लास में ही मौत हो गई थी। यह बात क्रोमियाकन सुन लेता है। सिंजो पूछता है क्या तुमने उस लड़की को मना लिया। फिर वह मना करता है। फिर सभी लोग उसके चोट के बारे में पूछते हैं पर वह मना कर देता है। फिर मकाटो कहती है सबको तुम्हारी चिंता हो रही है तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर वहाँ पे क्रोमियो आता है और अपनी चोट दिखाता है जो कि बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मकाटो कहती है तो क्या तुमने झूठ बोला था लड़कियों के करीब आने के लिए। मकाटो ने गार्डियंस की डिश खाई थी इसलिए उसके मुँह से बास आने लगी थी, इसलिए क्रोमियाकन वहाँ से चला जाता है। फिर वह सभी लोग दुकान के बाहर निकलते हैं और उन लोगों को लगता है कि क्रोमियाकन कहीं बाहर चला गया है और छत पर बैठ के एनिमल का खून पी रहा होता है। बाद में वह अपने हाथ पे खुद चोट पहुँचाने लगता है जो कि अपने आप ठीक हो जाती है। फिर वह कहता है मैंने झूठ नहीं बोला था। दूसरे दिन क्रोमियो के पास एक लड़की आती है जो कि इसे लव लेटर दे के चल जाती है। फिर वह वहाँ से भाग जाती है। फिर क्रोमियो उस लव लेटर को नीचे फेंक देता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट कहता है तुम्हें दूसरों की फीलिंग को समझना चाहिए। फिर क्रोमियाकन कहता है सॉरी सर। फिर मकाटो क्रोमियो से पूछती है कल रात तुम सही से घर पे पहुंच गए थे ना। फिर क्रोमियो कहता है तुम्हें से अभी भी गालिस की बदबू आ रही है। फिर मकाटो अपने मुंह पे हाथ रखती है। फिर वाइस प्रेसिडेंट उसे याद दिलाता है कि कल रात तुम्हें डिनर पे चलना है। और जब मकाटो ब्रश कर रही होती है और क्लास की मॉनिटर तकाकी सबको चुप रहने को बोल रही थी, बाद में हीरो तो सबको चुप करा देता है। बाद में तकाकी सबको वॉटर के बारे में बता रही थी जिसमें बूढ़े लोगों की मदद की जाती है, पर क्रोमियाकन क्लास छोड़ के जाने लगा था पर हीरो तो उसे रोक लेता है। तो फिर वह तकाकी से कहता है ऐसा काम करने की क्या जरूरत है जिससे दूसरों का फायदा हो, कितना बोरिंग है। तो तकाकी की ऐसी इंसल्ट देखकर हीरो तो उसे मारने के लिए जाता है। तो क्रोमियो अपने सुपर पावर की वजह से हीरो तो से बच जाता है। तो सारे बॉयज क्रोमियाकन को पकड़ लेते हैं। बाद में सारी गर्ल्स बॉयज को मारने लगती है तो सबकी लड़ाई तकाकी रोक रही थी पर क्रोमियो तो उसके पीछे खड़ा था। तब सारे बॉयज बोलते हैं क्रोमियाकन तो वहाँ पे है तो हम मार किसे रहे हैं। तो क्रोमियाकन को उस बुक से चोट लगती है क्योंकि उस पर प्लस का साइन था और उस पेपर को सभी लोग खराब कर देते हैं। तो क्रोमियो उनकी लड़ाई देखकर जाने लगा था और वहाँ पे मकाटो आती है और सबकी लड़ाई रोक देती है, पर यहाँ पे तकाकी रो रही होती है। फिर हीरो तो कहता है क्रोमियाकन ने इसको उल्टा सीधा कहा था, यह लड़का इंसान नहीं है। फिर मकाटो उसे समझाती है पर वह वहाँ से चल जाता है। तो फिर वह उसके घर पर कॉल करती है। जब वह सबको पियानो बजाना सिखा रही होती है तभी मकाटो को पुलिस का कॉल आता है जो कि बताता है कि क्रोमियो रॉन्ग साइड जाते हुए पकड़ा गया था। और जब हम उसे पुलिस स्टेशन लाए वो अचानक से गायब हो गए और अजीब अजीब सी बात कर रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर वहाँ पर क्रोमियाकन कहता है कि मैं इंसानों से पक चुका हूँ, अगर मैं किसी का खून चूस नहीं पाया तो।
एक बार तुम इंसानी दुनिया में आ गए तो वैम्पायर के प्रूफ के बिना तुम वापस नहीं जा सकते। इसे देखो, यह तुम्हारे बाद आया था और इसके वैम्पायर के दांत भी आ चुके हैं। जाओ और अपना काम पूरा करो। और उसके वैम्पायर अंकल उस लड़के के साथ गायब हो जाते हैं और क्रूमियागन गुस्से में आईने को तोड़ देता है। और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपने मॉम के साथ मकाटो का इंतजार कर रही होती है, पर मकाटो तो क्रोमियो को ढूंढ रही थी। तब वह सिंजो को कॉल लगाती है। तब सिंजो कहता है कि क्रोमियो तो अभी तक घर पे नहीं आए। तब वह म्यूजिक क्लास में देखती है, वहाँ पे क्रोमियागन बैठा हुआ होता है। फिर मकाटो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब क्रोमियागन कहता है, मेरे रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। मकाटो को लगता है कि ये दुखी है इसलिए ऐसा कह रहा है। फिर मकाटो उसे समझाने लगती है। फिर क्रोमियागन कहता है, अगर मैं मर सकता तो मैं मरना पसंद करता। यह बात सुनकर मकाटो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, ऐसा कभी मत करना, और रोने लगती है। यह देखकर क्रोमियागन वहाँ से चढ़ जाता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलता है कि मकाटो किसी काम की वजह से नहीं आ पा रही है। वाइस प्रेसिडेंट चाहता था कि चेयरमैन मकाटो के ऊपर गुस्सा ना हो। फिर मकाटो कहती है कि क्रोमियागन मेरा फर्स्ट लव जैसा नहीं है, और उसे ढूंढने जाने लगी थी, पर उसे क्रोमियागन कहीं नहीं मिला। फिर मकाटो कहती है, ये सब मेरी गलती है। और जब वह लाल कलर का अम्ब्रेला देखती है तब वह उसके पीछे जाने लगती है, क्योंकि रेड अम्ब्रेला वाला क्रोमियो था। फिर मकाटो क्रोमियागन के गले लग जाती है, जिसके कारण क्रोमियागन का छाता नीचे गिर जाता है और कहती है, प्लीज़ मरना मत। फिर क्रोमियागन कहता है, मैं मरने नहीं चाहता था, मैं मर नहीं सकता। पर सैंडल होने के कारण मकाटो खुद के साथ साथ क्रोमियो को भी साथ में लेके गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि मकाटो का फर्स्ट लव भी किसी को पानी में बचाने जा रहा था। फिर क्रोमियागन कहता है, क्या तुम मुझे महसूस करवा रही हो क्या, मरना कैसा होता है? बाद में क्रोमियागन अपना छाता उठा लेता है। फिर मकाटो खुश हो जाती है कि क्रोमियागन मर नहीं रहा है। फिर हम देखते हैं कि चांद के ऊपर के बादल हट जाते हैं। बाद में हमें मालूम पड़ता है कि क्रोमियो मकाटो का फर्स्ट लव है। मकाटो को हंसता देख क्रोमियागन के दांत बाहर आ जाते हैं, जिससे वह हैरान था। वैम्पायर दोस्त बोलता है कि तुम्हारे अभी तक नुखेल दांत नहीं आए हैं। फिर उसके वैम्पायर अंकल उस क्रोमियागन के सामने उस लड़की का खून चूस के बताते हैं। फिर मकाटो पूछते कि तुम कौन हो। फिर क्रोमियो उसका हाथ छुड़ा के वहां से चल जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि क्रोमियो मकाटो का फर्स्ट लव है। मकाटो को हंसता देख क्रोमियागन के दांत बाहर आ जाते हैं, जिससे वह हैरान था। पार्ट टू में देखते हैं वैम्पायर अंकल क्रोमियो से कहते हैं, अगर तुम्हें हमेशा के लिए अमर होना है तो तुम्हें किसी एक लड़की का खून पीना पड़ेगा। तुम्हारे नुकीले दांत आ चुके हैं, तभी भी तुमने एक लड़की का खून क्यों नहीं चूसा? फिर क्रोमियागन कहता है, मैं उस बुद्धू लड़की का खून चूसना नहीं चाहता। और यहाँ पर मकाटो बोलती है, ये दोनों कितने सेम है। फिर उसे याद आता है कि आज तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ डिनर पर जाना था। और यहीं पर क्रोमियागन के अंकल कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी? और यहीं पर क्रोमियागन कहता है, अभी मेरे दांत आ चुके हैं, एक ना एक दिन मैं ये काम कर लूँगा। और यहीं पे दूसरे दिन मकाटो वाइस प्रेसिडेंट से माफ़ी मांगने का सोचती है। तभी उसे क्रोमियो दिखाई देता है और उसको गुड मॉर्निंग कहती है, पर वह कुछ नहीं बोलता। और वह कहती है, अच्छा हो कल तुम बीमार नहीं हुए और आज तुम स्कूल भी आए। और उसे गुड लक बोल के चली जाती है। और वह कहता है, बुद्धू लड़की। और यहाँ पे मकाटो चेयरमैन से माफ़ी मांगने के लिए जाती है। फिर मकाटो को मालूम पड़ता है कि चेयरमैन क्रोमियो को ट्रांसफ़र करने की बात सोच रही थी, क्योंकि वह बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था। फिर मकाटो कहती है कि क्रोमियो अभी अभी तो स्कूल आया है, वो थोड़ा सा अजीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वह बुरा है, मेरे ख्याल से वह बहुत ही डिप्रेस्ड रहता है, हमें उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। मैं इस स्कूल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं चाहता। वह कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तब वाइस प्रेसिडेंट मान जाता है। मकाटो थैंक यू बोल के चल जाती है। फिर मकाटो को मालूम पड़ता है कि वह किस काम से आई थी। फिर वह वाइस प्रेसिडेंट से डिनर पर न आने की वजह से माफ़ी मांगती है और वह उसे माफ़ कर देते हैं। और वह तीनों क्रोमियो के साथ जाती है। और क्रोमियो की क्लास में आते ही उसे शॉपिंग के लिए जाने के लिए पूछती है, पर क्रोमियो उसे मना कर देता है। तकाकी क्रोमियो के आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। और तभी क्लास में मकाटो आती है और वॉलंटियर फॉर्म भरने को देती है और आज म्यूजिक रूम में आने को कहती है। और क्रोमियो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और मकाटो सबको म्यूजिक क्लास में लेके आ जाती है, पर वहाँ पर क्रोमियागन नहीं दिखाई देता है। और वह सबको पियानो बजाना सिखाती है। और ऊपर बैठा हुआ क्रोमियागन सोचता है कि मैं मकाटो का ब्लड सब नहीं करूँगा, इसलिए वह दूसरी लड़की के पीछे जाने लगता है। पर उनके गर्दन को देखकर भी क्रोमियागन के दांत बाहर नहीं आते। तभी वह एक एक करके सभी लड़कियों को देखने लगा था। क्रोमियागन को अपने ऊपर देखते देख वह मुस्कुरा कर भागने लगती है। तब क्रोमियागन उसके पीछे जाता है, पर वह तो अपने दोस्तों के साथ कह रही थी कि क्रोमियो ने मुझे देखा। तब क्रोमियो अपने क्लास के गर्ल्स के पास जाता है और उनका डरावना चेहरा देख कर भागने लगता है। एक अकेली लड़की को देख वह उसके पास जाने लगा था, पर उस लड़की की फ्रेंड आ जाती है। यह सब देखकर तो क्रोमियो बिल्कुल ही परेशान हो गया। तब क्रोमियो तकाकी को लाइब्रेरी जाता हुआ देखता है। फिर वह उसके पीछे जाने लगता है। फिर क्रोमियो को तकाकी नजर आती है और वह उसके पास जाता है। फिर तकाकी कहती है कि मैं ड्रामा क्लब के लिए नए सीन ढूंढ रही हूँ।
फिर कुंभकर्ण उसे ड्रैगुला का बुक देता है। फिर तकाकी कहती है कि क्या तुम्हें वैम्पायर पसंद है। कुंभकर्ण कहता है कि वह वैम्पायर इंसानों से तो अच्छे ही है, इंसान फालतू की जिंदगी जीते हैं पर वैम्पायर हमेशा अमर रहते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है पर ये कैसे हो सकता है। और वह कहता है अभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। जैसे ही कुंभकर्ण उसके गले पर हाथ रखता है तकाकी को बहुत अजीब लगता है। तभी तकाकी को टूटता हुआ वहाँ पर हीरो तो आता है और वह देखती है कि क्रोमियो वहाँ से गायब है। फिर मकाटो देखती है कि क्रोमियो अभी तक म्यूजिक रूम में नहीं आया था। फिर मकाटो बोलती है क्रोमियो को ढूंढने के लिए कौन जाएगा। फिर हीरो तो कहता है क्या वो अजीब से दिखने वाला लड़का, अच्छा वो यहाँ पे नहीं है। और सभी लड़के हाँ बोलने लगते हैं। फिर मकाटो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी क्लास साथ में गाना गाए। वहीं पर तकाकी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि क्रोमियो हमारे साथ गाना गाए। यह बात सुनकर हीरो तो भी हाँ बोलता है। सभी स्टूडेंट्स क्रोमियो को गाने के लिए हाँ कहते हैं और यह देखकर मकाटो खुश हो जाती है और उसे ढूंढने चली जाती है। फिर मकाटो कहती है तुम यहाँ, तुम्हें तो सबके साथ सिंगिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। पर वह जाने लगा था। फिर मकाटो कहती है कि कल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वाइस प्रेसिडेंट उन दोनों को देखकर हंसता है पर उसे अजीब भी लग रहा था कि मकाटो उसकी इतनी परवाह क्यों कर रही है। दादाजी के पीठ में दर्द था इसलिए उनकी मॉम गार्डियन की डिश मशीन में बनाने को कह रही थी क्योंकि दादाजी के पीठ में ज़्यादा दर्द ना हो। पर ग्रैंडपा तो खुद ही हाथों से बनाना चाहते थे इसलिए सिंजो पूछता है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए। पर उन दोनों में से किसी को उसका आंसर मालूम नहीं था। रात में कुंभकर्ण को ब्लड शक करने जैसा कुछ होने लगता है और यही फिर वैम्पायर अंकल एक और बार ब्लड शक करने के लिए जा रहे थे। तकाकी अपने घर पर सो रही थी तभी क्रोमियो उसके रूम में आ जाता है। आवाज़ सुन के उसकी आँखें खुल जाती है और वह क्रोमियो को देखकर हैरान थी और वह उसका खून सख्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही बेड पर लेटती है उसकी आँखें खुल जाती है पर वहाँ पर तो कोई नहीं था। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। मैंने तुम्हारे लिए ड्रैगुला वाली बुक पढ़ी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है तो हम उसी में परफॉर्म करेंगे। पर कल तुमने मेरे साथ क्या किया था। वह उसे अजीब तरीके से देख रहा था तब वह कहती है नहीं मुझे ऐसे ही अजीब सा सपना आया था। यह बोल के वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में आने के बाद भी क्रोमियो क्लास में नहीं आया था और उसने वॉलंटियर फॉर्म भी नहीं भरा था क्योंकि वह वापस रास्ते में भटक रहा था। और वहीं पे उसके अंकल आते हैं। उसके अंकल कहते अगर तू ऐसे भटकता रहा तो वह पुलिस तुझे वापस पकड़ लेंगे। फिर वह उसे अपने घर लेके आता है और वह कहता है तेरी वजह से मेरी डेट खराब हो गई। फिर क्रोमियो कहता है मैं तुम्हें थोड़ी ना अपने घर पर लाने को कहा था और वैसे भी मैं किसी न किसी का ब्लड सक कर लूँगा। वैम्पायर अंकल कहते हैं तुम्हें इंसानों का ब्लड सक करना पसंद क्यों नहीं, वह तो बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि मुझे इंसानों के मामलों में घुसना पसंद नहीं। तुम्हें इंसानों के मामलों में घुसने का कौन कह रहा है, तुम्हें सिर्फ उनके सामने दोस्ती का बहाना बनाना है और मौका मिलते उनका खून चूस लेना है। और कुंभकर्ण का पेपर मकाटो लिख लेती है और यहाँ पे मकाटो को देखकर सीधा अपने रूम में जाने लगा था और उससे वही म्यूजिक का पेपर दिखाती है जिसमें उसने उसका नाम लिख लिया था और कहती है कल म्यूजिक परफॉर्मेंस में आ जाना। और कुंभकर्ण मना करके जाने लगता है अगर तुम वहाँ पे नहीं जाओगे तो इमोशन के बारे में कैसे समझोगे, इमोशन से एक दूसरे को जोड़ते हैं इसलिए कल तुम जरूर आना। पर वह चला जाता है और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट मकाटो को मिलने बुलाता है। पर वह सारे रास्ते में कुंभकर्ण की ही बात कर रही थी। कुंभकर्ण को अकेलेपन में देख मुझे दर्द होता है और वह कहता है तुम्हें इतनी मेहनत करते देख मुझे दर्द होता है। और वह कहता है कि तुम्हें काम की बात स्कूल में कहनी चाहिए और वह सॉरी बोलती है। पर वह वापस कुंभकर्ण की बात करने लगती है। म्यूजिक शुरू होने वाला होता है पर मकाटो कुंभकर्ण का इंतज़ार करती है और टाइम होने पर पियानो बजाना शुरू कर देते हैं। फिर मकाटो देखती है कि क्रोमियो छुप छुप के देख रहा है तो वह बहुत खुश हो जाती है। बाद में मकाटो कुंभकर्ण को थैंक्स बोलती है और वह देखता है कि बूढ़े लोग कितने खुश हो गए ये म्यूजिक सुन के। बाद में वह वहाँ से चला जाता है और वह देखता है कि ग्रैंडपा की गार्डन की डिश खा के कस्टमर कितने खुश है और उसके फैमिली वाले भी। और वह सोचता है कि ये इंसान इतने खुश क्यों है, वह तो कभी भी मर सकते हैं तो फिर वह इतनी मेहनत करते क्यों है। क्योंकि इंसान अपनी छोटी सी जिंदगी में सब कुछ पाना चाहता है और वह जिंदगी और मौत में विश्वास रखते हैं। वैम्पायर तो अमर है और वो मौत के बारे में नहीं सोचते। और वह कहता है हाँ मैं समझ गया, मौका मिलते ही मैं एक लड़की का ब्लड सक कर लूँगा और इस काम को अंजाम दे दूँगा। और मकाटो फर्स्ट लव का फोटो देख रही होती है और लेट होने की वजह से वो जल्दी जल्दी फाइल्स लेकर चली जाती है और मकाटो को फर्स्ट लव का फोटो नीचे गिर जाता है और उसके फर्स्ट लव का फोटो प्रेसिडेंट देख लेता है। कुंभकर्ण म्यूजिक रूम में बैठ के म्यूजिक बजा रहा होता है और उसे पियानो बजाते हुए देखकर खुश हो जाती है। जब वो पियानो बजाते बजाते रुक जाता है तब वहाँ पर मकाटो आती है और पियानो बजाती है और मकाटो उसे देखने लगी थी। तभी उसके वैम्पायर दांत बाहर निकलने लगते हैं। मकाटो को समझ में नहीं आ रहा था कि क्रोमियो से भाग क्यों रहा है और वह पलट के अजीब तरीके से देख रहा था। तब मकाटो उससे दूर भागने लगती है और वह उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है।
जैसे ही वह काटने वाला होता है तभी वह बेहोश हो जाता है। वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वह नहीं उठता और क्रूम्याकन की मदद के लिए किसी को बुलाने जाती है, पर क्रूम्याकन तो बेहोशी का नाटक कर रहा था। वहीं पर वैम्पायर अंकल आता है और कहता है, तुम्हारी बॉडी खून मांग रही है, अगर तू उस लड़की का ब्लड सक नहीं करेगा तो तू अपने आप को मौत की तरफ लेके जा रहा है। क्रोमियो कहता है, मैं तो वैम्पायर हूँ, मैं मर कैसे सकता हूँ। फिर उसके वैम्पायर अंकल कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम पूरी तरह से अमर नहीं हुए, अगर तूने कल पूरा मून आने से पहले किसी भी लड़की का खून सक नहीं किया तो तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे, इंसानी भाषा में बोलूँ तो मर जाएगा। वह हैरान था। इसी के साथ पार्ट टू का एंड हो जाता है। तुम्हारे नुकीले दांत आ चुके हैं, तभी भी तुमने एक लड़की का खून क्यों नहीं चूसा। वह क्रोमियो को देखकर हैरान थी और वह उसका खून सख्त करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जैसे ही बेड पे लेटती है उसकी आंखें खुल जाती है, पर वहाँ पे तो कोई नहीं थी और मकाटो उसे देखने लगी थी। तभी उसके वैम्पायर दांत बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वह काटने वाला होता है तभी वह बेहोश हो जाता है। उस लड़की का ब्लड सक नहीं करेगा तो तू अपने आप को मौत की तरफ लेके जा रहा है। क्रोमियो कहता है, मैं तो वैम्पायर हूँ, मैं मर कैसे सकता हूँ। फिर उसके वैम्पायर अंकल कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम पूरी तरह से अमर नहीं हुए, अगर तूने कल पूरा मून आने से पहले किसी भी लड़की का खून सक नहीं किया तो तुम पूरी तरह से गायब हो जाओगे, इंसानी भाषा में बोलूँ तो मर जाएगा। और पार्ट थ्री में क्रूम्याकन सच में बेहोश हो जाता है। जैसे क्रूम्याकन की आंखें खुलती है मकाटो बोलती है कि मैं तुम्हें नर्स रूम में लेके आई थी। फिर वहाँ पर तीन लड़कियाँ आती है, उसमें से एक लड़की को चोट लगी होती है। फिर वह तीनों क्रोमियो को देखने जाते हैं पर वह वहाँ पर नहीं होता। तो वह तीनों लड़कियाँ क्रोमियो के तकियों में से स्मेल लेने लगी थी। फिर क्लास चालू हो जाती है पर क्रोमियो अभी तक नहीं आया था। यह देखकर तकाकी उदास हो जाती है पर हीरो तो उसे देख लेता है। वैम्पायर अंकल क्रूम्याकन से कहते हैं, उस लड़की का खून सक करने में इतना देर क्यों लगा रहा है, अगर तू कहे तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। पर क्रूम्याकन कुछ नहीं बोलता। वहीं पर सिंजो देखता है कि एक आदमी वह छुप के देख रहा था। फिर सिंजो कहता है, अंदर आइए। फिर वह वहाँ से भाग जाता है। फिर सिंजो अपनी फैमिली को बताता है। फिर उनके दादाजी बाहर देखने जाते हैं पर वह तो क्रूम्याकन होता है। और सिंजो देखता है कि उसकी मम्मी बहुत परेशान होती है। फिर क्रोमियो घर के अंदर जाता है और बोलता है कि मैं ये करके रहूँगा। और मकाटा सोई हुई थी और क्रूम्याकन उसको काटने के लिए आगे बढ़ता है और क्रूम्याकन अचानक से डर जाता है क्योंकि मकाटो के शर्ट पे क्रॉस का साइन था जिससे वैम्पायर डरते हैं। फिर मकाटो क्रूम्याकन को देखकर बोलती है, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक है ना, मैं म्यूजिक रूम की बात को लेकर तुम्हें गलती समझूंगी क्योंकि तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम था ना। क्रोमियो उसके पास आ जाता है और ये सब देखकर मकाटो हैरान हो जाती है, पर लड़कियों के आते हुए देख वह वहाँ से भाग जाता है। मकाटो अभी भी शॉक में थी क्योंकि क्लास में बैठा हुआ क्रोमियो उसे घूरे जा रहा था, पर हिरोतो को लग रहा था कि वह तकाकी को देख रहा है। क्रोमियो को अपने ऊपर घूरते देख मकाटो को अजीब फील हो रहा था। फिर मकाटो अनदेखा करती है, हिरोतो सोचता है कि वह उसे क्यों देख रहा है। फिर बैल लगते ही क्रूम्याकन मकाटो के पीछे जाने लगता है और वह उसे पकड़ने वाला होता है कि बीच में तकाकी आ जाती है और वही फिर हिरोतो आता है और उसे अकेले में लेके जाता है, पर हिरोतो उसके पैरों के नीचे गिर के कहता है, प्लीज तकाकी से दूर रहो। फिर क्रूम्याकन कहता है, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर हिरोतो कहता है, सच में, तो इसका मतलब तू टीचर मकाटो को घूर रहा था, कहीं तुम्हें उससे प्यार नहीं हो गया। फिर क्रोमियो कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हिरोतो कहता है, चल छुपा मत, तू मुझे अपना यार ही समझ, अगर तुझे प्यार के बारे में कुछ टिप्स चाहिए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। फिर क्रोमियो बोरिंग बोल के चला जाता है। मकाटो अभी भी क्रोमियो के अजीब से बिहेवियर के बारे में सोच रही थी और कहते है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं पर जोकर आता है और उसको देख कर मकाटो हंसने लगती है और क्रोमियो उसके पीछे जाने लगता है, पर जोकर उसे रोक रहा था और वह उसे धक्का मारता है, पर इतने देर में तो वह चली गई थी। और सिंजो देखता है कि किसी का फ़ोन आते ही उसकी मॉम अकेले में बाहर चली गई है। और कस्टमर की बात सुन के सिंजो को ये लगता है कि लोन वाले मेरी मम्मी को धमका रहे हैं। फिर सिंजो कहता है, मेरे पापा के मृत्यु के बाद में मुझे मॉम को सुरक्षित रखना है, पर वह लोन वाले बहुत ताकतवर होंगे। फिर सिंजो कहता है, क्या तुम भी किसी बात से परेशान हो, तो तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए। दूसरे दिन तकाकी को जाते देख हीरो तो उससे बात करने लगा था। इतने में क्रोमियो उसके सामने आता है और हीरोतो को खींच के लेके जाता है। फिर क्रोमियो कहता है, मैं उसे कैसे मनाऊं। हीरोतो कहता है, ये एकदम से तो नहीं हो सकता, तुझे स्टेप टू स्टेप फॉलो करने होंगे, तुझे जिसको पटाना है उसके ऊपर अलग इफेक्ट डालना पड़ेगा और उसकी बहुत तारीफें करनी होंगी। तो वह तकाकी के पास जाके कहता है, तुम्हारी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। वह थैंक यू कहती है। वह कहता है, तुम्हें तारीफें सुनना पसंद है। वह हाँ करती है, यह आइडिया तो काम कर रहा है। तकाकी उसे ड्रैगुला वाली बुक दिखाती है पर वह तो वहाँ से गायब था। कुछ लड़के मकाटो की हेल्प कर रहे थे, तब क्रोमियो को आते हुए देख कहती है, क्या तुम भी मदद करना चाहते हो। थैंक यू, पर काम हो गया। पर वह उसे चारों तरफ से ध्यान से देखने लगता है। फिर क्रोमियोगन कहता है, तुम में तारीफ करने जैसा कुछ नहीं है, और चला जाता है।
और मकाटो कहती है ये क्या था। फिर दूसरे स्टेप में हीरो तो कहता है तुम्हें बेबस होना होगा, और क्लास में मकाटो किसी को फिलअप सॉल्व करने के लिए कह रही थी, पर उस लड़के के उठने से पहले क्रोमी उठ जाता है और सारी फिलअप्स को सॉल्व करने लगा था। सब हैरान थे, मकाटो उसे रोकती है पर वह नहीं रुकता, पर लड़कियाँ तो खुश हो रही थी। फिर हीरो तो कहता है प्लान फेल यार, इसलिए मकाटो क्लास ओवर करके जाने लगती है। क्रोमियो हैरान था, फिर उसे बाहर लाके कहता है तू ये कर क्या रहा था। फिर क्रोमियागन कहता है तूने तो कहा था फेमस बनने को। फिर हीरो तो कहता है रुक क्या पता ये प्लान काम कर दिया हो। फिर वह हीरो तो के कहने पर मकाटो से माफ़ी मांगने के लिए आता है और कहता है आई एम सॉरी। फिर मकाटो कहती है क्या तुम्हें अपनी गलती समझ में आ गई। फिर वह बिना रुके आई एम सॉरी कहने लगता है, और जैसे ही वह खून चूसने वाला होता है वह रुक जाता है क्योंकि उसके हाथों पर एक आंसू का बूंद गिरता है। उसे मालूम नहीं होता कि ये इमोशन क्या है और ये आंसू क्या है। जैसे ही क्रोमियागन उसे काटने वाला होता है मकाटो के मुंह से अयुमु नाम निकलता है, तब वह काटने से अचानक हट जाता है। फिर क्रोमियागन कहता है मैं फिर से ये क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और जब वह जा रहा होता है उसके वैम्पायर अंकल देख लेते हैं और क्रोमियागन उदास होकर जाने लगता है। तो हम पार्ट 4 में देख देंगे क्रोमियागन बैठा हुआ होता है, और जब वह खड़ा होता है बेहोश होकर गिरने लगता है, तो वहाँ पे उसके वैम्पर अंकल आ जाते हैं और क्रोमियागन को बचा लेते हैं। और उसके अंकल कहते हैं ये सब एक लड़की के आंसू के लिए, तू अपने रास्ते से हट रहा है, तू वैम्पर जाते को ख़राब कर रहा है। अगर तुमने अगले पूर्णिमा के वक्त उस लड़की का खून नहीं चूसा तो तू हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। और अगले दिन जब क्रोमियागन बैठा होता है मकाटो उसे एक मिनट के लिए बाहर बुलाती है एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए। मकाटो कहती है आपने कल इसे छोड़ दिया था, तुम शर्मिंदा हो रहे हो, ये महत्वपूर्ण सामान नहीं है यहाँ पर। और फिर चली जाती है। फिर तका के कहती है मैंने इसको पढ़ा है, जब आपके पास समय है तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। फिर क्रोमियो कहता है किस बारे में। यही कि वैम्पायर के काटने पर कैसा फीलिंग होता है। फिर क्रोमियो कहता है क्या तुम पता लगाना चाहते हो। फिर तका के हाँ कहती है। फिर जैसे ही क्रोमियो काटने वाला होता है हीरो तो उन्हें देख लेता है और क्रोमियो को धक्का देता है और कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर तकाकी कहती है हीरो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर वह देखते हैं कि क्रोमियो वहाँ पे नहीं है। फिर तकाकी उदास होकर जाने लगती है। फिर मकाटो और प्रेसिडेंट दोनों लंच के लिए आए होते हैं। फिर वह दोनों लंच करके जा रहे होते हैं और वहाँ पर क्रोमियागन उन दोनों को देख रहा होता है। फिर प्रेसिडेंट मकाटो से कहता है इस जीवन के लिए नहीं अनंत काल के लिए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्या तुम इसे शादी करोगी। हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही अचानक है। नहीं नहीं थोड़ा सा चौंक गई थी, यह इतना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ी देर के बाद सोच के बता सकते हैं। ठीक है लेकिन इस बारे में मैं खुश हूँ, तो चलो चलते हैं। फिर क्रोमियो यह सब कुछ देख कर चला जाता है। फिर क्रोमियागन कहता है क्या आप शादी कर रहे हैं फूजी के साथ, तुम्हें किसने बताया। आज वह बहुत खुश थे। फिर वह कहता है कैसे बोलूँ। फिर मकाटो कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। फिर मकाटो कहती है उसके लिए वक्त चाहिए होता है। फिर मकाटो जाने लगती है। फिर क्रोमियो कहता है अयुमु। फिर मकाटो कहती है तुम्हें ये नाम कैसे पता है, जब तुम सो रही थी तब तुमने कहा था और तुम रो भी रही थी, क्या तुम अभी भी अयुमु से प्यार करती हो। फिर मकाटो कहती है इसका आपसे कोई लेना देना नहीं, और वह चली जाती है। और यहाँ पे क्रोमियो जा रहा होता है। फिर प्रेसिडेंट कहता है क्रोमियागन तुम कहाँ जा रहे हो। फिर क्रोमियागन भागने लगता है और प्रेसिडेंट उसका पीछा करने लगता है, और वाइस प्रेसिडेंट उसे लेक्चर ना लेने की वजह से रोकने लगा था। फिर क्रोमियो कहता है तू उसे किस तो नहीं कर पाया तो मुझे क्या रोकेगा, क्या तुझे पता है कि उसने तुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। तू उसे हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इंसान अमर नहीं होते हैं। और ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। और रात में क्रोमियो मकाटो को ब्लड सक करने के लिए आता है, और जैसे ही वह आगे बढ़ता है तभी वह मकाटो को फर्स्ट लव के बारे में देखता है। और मकाटो क्रोमियो को देख लेती है और कहती है अयुमु। जब तकाकी क्रोमियो को देख रही होती है तभी नीचे लव लेटर गिरा होता है और तकाकी उठा लेती है। तभी वहाँ पर हीरो तो आता है और उस लव लेटर को ले लेता है। फिर वह लोग उस लव लेटर को पढ़ने लगते हैं और हीरो तो उस लव लेटर को ले लेता है। फिर वह लड़के कहते हैं यही मौका है कह दे अपने दिल की बात।
फिर हीरो तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर तकाकी कहती है, हैंडा कौन बेवकूफ? फिर हीरो तो कहता है, प्लान फेल। हे तू उदास मत हो, यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ हैं। हाँ दूसरे टाइम के लिए बेस्ट लक। फिर हीरो तो कहता है, मैं उसे कभी नहीं भूलूँगा और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं हीरो तो मरते दम तक इस प्यार को निभाऊंगा। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर क्रूमेगन वहाँ से उठ के चला जाता है। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अमीयू के बारे में। फिर वह लोग म्यूजिक क्लास में जाते हैं। फिर क्रूमेगन कहता है, अमीयू कैसा लड़का है? मकाटो कहती है, वह लड़का अपने ज़िंदगी को बहुत ही अलग नज़रिए से देखता था। वह सब लोगों को साथ में रखने की कोशिश करता था। वह सबको खुश रखता था, पर वह बहुत जल्दी स्वर्ग चला गया। हम दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। वह मेरे लिए बहुत अलग था, पर अभी मुझे उसको भुलाना पड़ेगा। फिर क्रूमेगन कहता है, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, इसलिए तुमने उनका जवाब नहीं दिया। फिर मकाटो कहती है, बस बहुत हुआ। फिर मकाटो कहती है, पहले के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर अब मैं उसे भूलना चाहती हूँ। फिर क्रूमेगन कहता है, क्या तुम अमर होना चाहती हो? फिर मकाटो कहती है, तुम्हारा मतलब 10 साल 100 साल 1000 साल अमर? और जब क्रूमेगन उसे काटने वाला होता है, फिर मकाटो उसे धक्का मारते हुए कहती है, मैं जब भी तुम्हारे साथ आती हूँ तुम ये करने की कोशिश क्यों करते हो? मुझे उसकी फीलिंग क्यों दिलाते हो? और रोते रोते उसे गले लगा लेती है, और क्रूमेगन भी उसे गले लगा लेता है। वह उसे काटने की कोशिश करता है पर रुक जाता है। दूसरे दिन मकाटो कहती है, सॉरी कल बहुत बड़ी बात थी ना? मैं ठीक हूँ, पर मैं अपने भावनाओं को हल कर सकती हूँ। आपके कारण ही मैं ये समझ पाई हूँ। थैंक यू, मैं फूजी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसके वैंपायर अंकल कहते हैं, क्या तुमने उसे गले लगाया था? मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो। यह शादी इंसानों द्वारा किया गया भ्रम है। फिर क्रूमेगन कहता है, मुझे पूर्णिमा से पहले उसका खून चूसना पड़ेगा। पर कैसे? अगर तुमने उसकी शादी से पहले उसको वैंपायर बना लिया तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। और दूसरे दिन शिंजो उठान जाता है, पर क्रूमेगन तो उठ चुका था। यह देखकर शिंजो नीचे जाता है और क्रूमेगन नाश्ता करता है, तो सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। और सब लोग कहते हैं, पहले तो इसने कभी नाश्ता नहीं किया। फिर क्रूमेगन थोड़ा और मांगता है। फिर शिंजो कहता है, इन्हें स्कूल के टीचर मकाटो से प्यार हो गया है। फिर वहाँ पर मकाटो आती है और पहले के दिनों के लिए सॉरी बोलती है। कोई बात नहीं क्रूमेगन, आप सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्या नहीं? सभी स्टूडेंट वैम्पायर शो के लिए काम कर रहे होते हैं। जब क्रूमेगन जा रहा होता है तब पीछे से वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं, मेरी मकाटो के साथ सगाई होने वाली है। फिर क्रूमेगन गुस्से से उसके तरफ आ रहा होता है, वो तो डर ही गया था। फिर क्रूमेगन हीरोतो के जगह आकर उसकी जगह खुद ही काटने लगा था और वह बहुत ही फास्ट काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पर मकाटो आती है और कहती है कि यह सबकी कितनी मदद करता है। फिर शिंजो की मॉम बोलती है, मकाटो तुम किसी भी तरह से सुंदर हो। हाँ क्या यह हो सकती है शादी? फिर दादाजी कहते हैं, क्या तुमने शादी करने का फैसला किया है? तो मकाटो हाँ कहती है। तो सब लोग कहते हैं, बधाई हो। रात में जब मकाटो जा रही होती है तब वहाँ पे एक चोर आता है जो कि मकाटो का बैग चोरी करके भागने लगता है। तब क्रूमेगन अपने सुपर पावर से उस बाइक को गिरा देता है और वह चोर डर के मारे भागने लगता है, और मकाटो भी डर गई थी। और दूसरे दिन जब मकाटो प्रेसिडेंट के साथ कहीं घूमने जा रही थी, क्रोमियो यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। और यहाँ पे पार्ट 4 का एंड हो जाता है। फिर वह लड़के कहते हैं, यही मौका है कह दे अपने दिल की बात। फिर हीरो तो कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? फिर तकाकी कहती है, हैंडा कौन बेवकूफ? 10 साल 100 साल 1000 साल अमर। कन भी उसे गले लगा लेता है। वह उसे काटने की कोशिश करता है पर रुक जाता है। अगर तुमने उसकी शादी से पहले उसको वैंपायर बना लिया तो तुम दोनों शादी कर सकते हो। क्रूमेगन नाश्ता करता है तो सभी लोग देखते ही रह जाते हैं। और सब लोग कहते हैं, पहले तो इसने कभी नाश्ता नहीं किया। तब वहाँ पे एक चोर आता है जो कि मकाटो का बैग चोरी करके भागने लगता है। तब क्रूमेगन अपने सुपर पावर से उस बाइक को गिरा देता है
और वह चोर डर के मारे भागने लगता है और मकाटो भी डर गई थी। और दूसरे दिन जब मकाटो प्रेसिडेंट के साथ कहीं घूमने जा रही थी, क्रोमियो यह देखकर बहुत उदास हो जाता है। एपिसोड 5 में मकाटो क्रोमियोगन के घर पे आती है। फिर क्रोमियो आता है, मकाटो कहती है गुड मॉर्निंग। मकाटो कहती है तुम मेरी मदद कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने जो क्लास में स्टोरी सुनाई थी वो इंग्लिश में थी ना? मकाटो कहती है हाँ वो इंग्लिश में थी। क्रोमियो कहता है उनका क्या होगा? मकाटो कहती है रोमियो और जूलियन के लिए वे अपनी इच्छा पूरी करते हैं, पर वह तो एक साथ नहीं हो पाए। मकाटो कहती है भले ही वो एक साथ ना हो सके, उनकी भावनाएं हमेशा रहती है। ऐसा लगता है कि ये सच है। तुमने राइस बॉल बहुत अच्छे बनाए हैं। मकाटो कहती है धन्यवाद आपका। क्रोमियो कहता है मैं अब जा रहा हूँ, और क्रोमियो उनकी हेल्प करने के लिए आ रहा होता है। और यहाँ पे हीरो तो कहता है कितनी सुंदर लग रही है। और मकाटो कहती है सबके लिए दोपहर का नाश्ता, और सभी लोग राइस बॉल खा रहे थे और क्रोमियो की तारीफ कर रहे थे, और सब लोगों को देखकर क्रोमियो भी उसे खाता है। जब मकाटो आईने में ड्रेस चेक कर रही थी तब उसे क्रोमियो नजर आता है। फिर मकाटो कहती है क्रोमियो के अंदर आओ। जब वह प्लस साइन देखता है उसके आंखों में बहुत जोर से चमक पड़ती है, तो वह उसके ऊपर पर्दा डाल देता है। मकाटो कहती है यहाँ पे सब चीज़ें तैयार हो गई है। फिर सामने पड़ी हुई बुक को मकाटो पढ़ती है। एक बार बहुत मुश्किलों से लड़ने के बाद भी मैं एक प्राथमिक स्कूल में था। और मकाटो कहती है लो तुम पढ़ो एकदम लाइन से। फिर मकाटो बोलती पढ़ो। फिर क्रोमियोगन पढ़ता है सुबह से पहले अभी भी समय है, चांद अभी तक नीचे नहीं गया है, हम दुनिया से अलग है। मकाटो पढ़ती है हम इस पर एक साथ काबू नहीं पा सकते। फिर मकाटो क्रोमियो को पकड़ती है, तभी अचानक वह पेंटिंग नीचे गिरने वाली होती है, मकाटो उसे पकड़ लेती है। फिर मकाटो का अजीब सा चेहरा देखकर क्रोमियो हंसने लगता है और बताता है तुम्हारे यहाँ पे कलर लगा है। जब मकाटो मिटान जाती है कलर और बढ़ जाता है, इसलिए क्रोमियो और हंसता है। फिर मकाटो कहती है क्रोमियो तुम हंस रहे हो। फिर मकाटो कहती है तुम ज़्यादा हंस रहे हो। फिर क्रोमियो घर पे आता है और बोलता है माय होम। सब लोग उसे वेलकम करते हैं। फिर वह अपने हाथ में से प्लेट लेकर कस्टमर को दे देता है। फिर वह शिंजोके ऊपर हाथ रखकर अपने रूम में चला जाता है। फिर शिंजो कहता है यह प्यार का मामला है। फिर क्रोमियो बिस्तर पर लेट जाता है। फिर मकाटो नहाकर बाहर आती है और आईने में अपना चेहरा देखने लगती है और हंसने लगती है। फिर वह बेड पर लेट जाती है। बाद में स्कूल में मकाटो आती है। स्कूल में कोई नहीं होता है, सिर्फ क्रोमियोगन होता है। फिर मकाटो कहती है कल का दिन बहुत अच्छा था ना? फिर मकाटो कहती है आप कोमल और मजबूत है, आप नियम को फॉलो करते हो और आपके पास बहुत सारी क्षमता है, पर आपकी सच्चाई सच में हम आपके पास फंसे हैं, आप सिर्फ मेरा खून पीना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम और मैं एक रिश्ता हो पाएंगे? फिर क्रोमियोगन अपने नींद से उठ जाता है। फिर शिंजो कहता है क्रोमियोगन पर मदद चाहिए। फिर क्रोमियोगन कहता है चिल्ला मत जाओ यहाँ से। और वहाँ पे कुछ बच्चे लेसन प्रैक्टिस कर रहे थे, बोल रहे थे कि वैम्पायर इंसानों के दुश्मन है, वह सिर्फ खून पीते हैं, वह सिर्फ लड़कियों से प्यार का बहाना बनाकर उनका खून चूस लेते हैं। यह सब उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। फिर क्रोमियोगन देखता है मकाटो और प्रेसिडेंट जा रहे हैं। फिर मकाटो कहती है मुझे इंसान और वैम्पायर की जोड़ी अच्छी नहीं लगती, वह सिर्फ ब्लड सक करते हैं। यह सब सुनकर क्रोमियोगन को बहुत बुरा लगता है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। जब क्रोमियोगन भाग रहा था तब उससे गलती से ग्लास टूट जाता है
फिर वह लोग बोलते हैं, हे तुमने मेरा ग्लास क्यों तोड़ा, तू चुप क्यों है? पर फिर भी कुर्मियांगन कुछ नहीं बोलता। फिर वह लोग अपने साथ में लेके जाते हैं और यह सब हिरोतो देख लेता है और वह मकाटो को फ़ोन लगाता है। फिर हिरोतो कहता है कुर्मियांगन को कुछ गुंडे उठा के लेके गए हैं। फिर मकाटो कहते हैं सॉरी सर, मुझे अभी जाना होगा। फिर वह लोग कुर्मियांगन को मारने लगते हैं। फिर वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि कुर्मियांगन को चाकू से वार करता है। फिर उसमें से एक आदमी कहता है तुम कौन हो? फिर वह कहता है देखो मुझसे दूर रहो। फिर वह मॉन्स्टर बोल के भागने लगता है। फिर मकाटो उसे भागते हुए देख वह अंदर जाती है। फिर वह कहता है कुर्मियांगन, और एक आदमी को नीचे गिरा हुआ देख वह बोलती है तुम्हें क्या हुआ है और ये चोट कैसी है? जैसे वह उसे खोल कर देखती है उसकी चोट गायब हो चुकी होती है। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह कहती है कुर्मियांगन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कुर्मियांगन कहता है मैं अकेला हूँ, यह सब तुम्हारी गलती है। फिर कुर्मियांगन अपना चेहरा दिखाता है, मैं तुम्हारे चेहरे को फिर से नहीं देखना चाहता, फिर से कभी नहीं, और यह कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर पार्ट 5 का एंड हो जाता है। और फिर क्रोमियो बेहोश हो जाता है। सब लड़कियाँ बात कर रही थी कि क्रोमियो ने अकेले 4 गुंडों को पीटा था। सब लोग हिरोतो से पूछते हैं क्या ये सच है? हिरोतो कहता है ये सच है, क्रोमियो के साथ मैंने भी कुछ गुंडों को पीटा था। क्लास में कुर्मियांगन नहीं आया होता है इसलिए मकाटो फ़ोन करती है। वह कहता है कुर्मियांगन बीमार था इसलिए बाहर गया है। मकाटो कहते हैं कि थैंक यू। प्रेसिडेंट कहता है ओ कुर्मियांगन की बात थी क्या? मकाटो कहते हैं कि हाँ वह बीमार था। प्रेसिडेंट सगाई की बात कर रहा होता है, सोता ये सब कुछ सुन लेता है। कुर्मियांगन के अंकल कहते हैं तुम्हें अपनी पावर बुद्धू इंसानों के ऊपर यूज़ नहीं करनी चाहिए। पर वह उठ के चला जाता है। और यहाँ पे शिंजो कहता है कुर्मियानी तुम आ गए, और वह उसको घर में लेके आता है। और शिंजो की मम्मी कहती है हमें पूरी फैमिली के साथ ही केक को काटना था। और सब लोग शिंजो को बर्थडे बनाते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं। जब कैमरा चालू होता है कुर्मिया की आंखों में रोशनी जाती है। शिंजो पूछता है तुम्हारा बर्थडे कब है? कुर्मियो कहता है पता नहीं। फिर कुर्मियांगन चला जाता है। कुर्मियांगन कहता है मेरा बर्थडे। और यहाँ पे कुर्मियांगन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वह एक कब्र में बंद होता है और वह उसको खोल देता है। कुर्मियांगन के अंकल कहते हैं बर्थडे में इंसानों की मौत लिखी होती है, जैसे जैसे घंटे बढ़ते हैं वैसे ही उनकी मौत सामने आती है। उसके अंकल उसको बाहर लेके आते हैं और कांच फोड़ के बताते हैं और वह कहते हैं तुम करो। कुर्मियांगन करने की कोशिश करता है पर उससे नहीं होता। उसके अंकल कहते हैं यह तुम्हारे लिए नया है। कुर्मियांगन एक बार और कोशिश करता है पर इस बार वह सफल हो जाता है। मकाटो कुर्मियांगन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था? वह कहती है मुझे नहीं पता पर मैं फिर भी माफ़ी चाहती हूँ। कुर्मियांगन अपना चेहरा घुमा लेता है क्योंकि उसके वैम्पायर के दादा आ चुके थे। कुर्मियांगन मकाटो से कहता है दूर रहो मुझसे, प्रेसिडेंट और चेयरमैन ये सब कुछ देख लेते हैं। श्वेता सबको बता देता है कि प्रेसिडेंट और मकाटो दोनों शादी करने वाले हैं। हीरो तो कुर्मियांगन से कहता है ये बात सुनकर तुम दुखी मत हो जाना। कुर्मियांगन कहता है क्या? प्रेसिडेंट और मकाटो दोनों शादी करने वाले हैं। कुर्मियांगन कहता है हाँ तो। हीरो तो कहता है क्या तुम्हें पता था? कुर्मियांगन कहता है हाँ। कुर्मियांगन म्यूजिक रूम में चला जाता है। हीरो तो कहता है मुझे पता था। फिर वहाँ पर तका के आती है और नाटक का फोटो दिखाती है। कुर्मियांगन कहता है हम फोटो क्यों खींचते हैं? पुरानी यादों को वापस याद करने के लिए। फिर तका के कुर्मियांगन को किस करके चली जाती है। मकाटो ये सब कुछ देख लेती है। फिर पीछे से चेयरमैन आती है। कुर्मियांगन का मूड फ्रेश करने के लिए हीरो तो उसे क्लब में लाया था पर रोशनी को देखकर उसे पुराने दिन वापस याद आने लगते हैं। सब लोगों को खुश होते देख क्रोमियो भी खुश हो जाता।
जब शिंजो बैठा होता है तब वह अपने बर्थडे का फोटो देखता है जिसमें क्रीमेकन नहीं होता है। उसकी मॉम कहती है ये कैसे पागलों जैसी बात कर रहा है। और यहाँ पे सब लोग पूल के अंदर मज़े कर रहे होते हैं, तभी एक लड़के के टकराने से वह पूल में गिर जाता है। पानी के अंदर उसे याद आने लगता है कि जब वह अयुमू था वह एक बच्चे को बचा रहा था, तब पानी के बहाव के कारण वह पानी में डूब जाता है और उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको सब कुछ याद आ जाता है और उसको मालूम पड़ जाता है कि उसकी जान किसने बचाई थी। फिर उसे याद आता है कि यहाँ पे मकाटो और अयुमू आया करते थे। इधर वाइस प्रेसिडेंट मकाटो को रिंग दिलवा रहा था पर वो तो अभी भी क्रोमी के बारे में सोच रही थी। पीछे हम देखते हैं कि अयुमू ने मकाटो को प्रपोज किया था, तब मकाटो ने हाँ कर दी थी। क्रोमीगन कहता है कि मैं अयुमू। क्रोमीगन वैम्पायर अंकल के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि उन्होंने बताया क्यों नहीं कि मैं पहले इंसान था और सच क्यों छुपाया। उसके अंकल कहते हैं हाँ तुम पहले इंसान थे। फिर वैम्पायर अंकल उसको समझाने लगता है पर क्रोमियो तो गुस्सा होकर चढ़ जाता है। क्रोमियो को अपने घर के बाहर बैठा देख वह उसको अंदर लेके आती है। वह पूछता है अगर अयुमू जिंदा होता तो तुम क्या करती। वह कहती है अगर अयुमू जिंदा होता तो वह अभी 25 साल का होता पर वह अभी नहीं है। फिर वह टी बनाने लगती है। जब वह देखती है तब क्रोमियो वहाँ से चला गया होता है। दूसरे दिन मकाटो की सगाई के लिए सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। फिर यहाँ पर क्रोमियो म्यूजिक रूम में जाकर पियानो बजाने लगता है। पियानो बजाते बजाते वो गलती वापस दोहराता है जब मकाटो उसके साथ होती थी। मकाटो यह सब कुछ देख लेती है तो वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। मकाटो कहती है अयुमू, तो वह रुक जाता है। वह कहती है क्या तुम अयुमू हो। वह कहती है तुम अयुमू जैसे क्यों बजा रहे थे, पर वह बिना कुछ कहे चला जाता है। वैम्पायर अंकल कहते हैं तू उसे सामने से कह दे कि तू ही अयुमू है तो पक्का वो सामने से तुझे खून चूसने को देगी और तेज जैसी वैम्पायर बन जाएगी। वह कहता है वह मुझे नहीं अयुमू को लव करती है, मैं एक वैम्पायर हूँ। और यहाँ पे प्रेसिडेंट मकाटो को रिंग पहना देता है पर वह सैड थी। मकाटो रिंग देखकर पीछे का याद करती है जब अयुमू ने पेड़ के नीचे कुछ दबाया था और मकाटो को कहा था कि मैं 10 साल बाद इसको खोद के निकालूंगा, इसलिए मकाटो वाइस प्रेसिडेंट की दी हुई अंगूठी नहीं पहनती। फिर मकाटो वही बात पूछने लगी थी इसलिए क्रोमियो उसे दूर रहने को कहता है। फिर मकाटो क्रोमियो को शिंजो और बाकी सब के साथ फुटबॉल खेलता हुआ देखती है, तब उसे अयुमू की याद आती है क्योंकि वह बिल्कुल अयुमू की तरह खेल रहा था। और यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी शादी के लिए बहुत खर्चा कर रहा था। वह कहते हैं जरा ध्यान से तुम्हारी सारी मेहनत बेकार ना जाए, तुम्हारे होने वाले वाइफ को देखकर तो यही लगता है। शिंजो की मम्मी रो रही होती है क्योंकि उनकी सगाई की अंगूठी कहीं खो गई थी, तो क्रोमियो अपनी पावर से रिंग को ढूंढ लेता है पर उसके एक हाथ से अलमीरा उठाते हुए शिंजो देख लेता है अंगूठी मिलने से शिंजो की मम बहुत खुश हो जाती है। क्रोमियोकन सोच रहा होता है उसने पेड़ के नीचे कुछ दबा के रखा था ताकि 10 साल बाद वो मकाटो को शादी के लिए प्रपोज कर सके, और वह उसी पेड़ के पास जाता है और खोद के अंगूठी को निकाल लेता है। फिर वह अंगूठी लेकर चला जाता है। फिर पीछे से मकाटो आती है और पार्ट 6 में मकाटो कहती है तुम्हें ये जगह कैसे मालूम पड़ी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैंने सोचा कि तुम अयुमू हो, फिर मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। मकाटो कहती है पर अभी तुम वापस आ गए हो। और फिर वह गले मिल के कहती है मैंने तुम्हें बहुत याद किया, और कहती है मैं तुम्हें हर रोज़ याद करती थी। और क्रोमियोकन भी उसके गले लग जाता है। दोनों बहुत ही खुश थे इसलिए क्रोमियो उसे रिंग पहना देता है। मकाटो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वह दोनों एक साथ घूमने जाते हैं। क्रोमियो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वह फ़ोटो खिंचवाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं, पर तकाके उन दोनों को देख लेती है और बहुत उदास हो जाती है। दूसरे दिन मकाटो जब क्लास में आती है वह कहते हैं तुम लोग खड़े क्यों हो, फिर वह देखते ही वहाँ पे पोस्टर लगे हुए होते हैं जिसमें लिखा था कि मकाटो के एंगेज होने के बाद भी वह एक लड़के के साथ घूमने गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट मकाटो को बुरा समझ रहे थे। और फिर क्रोमियोकन क्लास में आता है। क्रोमियोकन वह देखकर हैरान हो जाता है। चेयरमैन मकाटो को डांट लगाती है और स्कूल से निकालने को कह रही थी। वाइस प्रेसिडेंट कहता है आप उसे ऐसे नहीं डांट सकती, और मकाटो की साइड लेता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। और बाकी के सभी स्टूडेंट मकाटो के बारे में बातें बना रहे थे और मकाटो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे सब लोग मकाटो की बात कर रहे थे। जब मकाटो रो रही होती है तब क्रोमियो कहता है सॉरी सारी गलती मेरी है। मकाटो कहती है नहीं
सारी गलती मेरी है, मैं ये भूल गई थी कि मैं एक टीचर हूँ। और वह कहती है, मन करता है ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। कुलमेघन कहता है, क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो? तो मकाटो हाँ कर देती है और कुलमेघन उसके गले लग जाता है, और जैसे ही उसे काटने की कोशिश करता है वह रुक जाता है। और इसके बाद क्रोमी कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। 10 साल के बाद में तुम टीचर बनी हो, कभी भी हार मत मानना। और दूसरे दिन मकाटो चेयरमैन से माफ़ी मांगती है और मकाटो क्रोमी से कहती है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, और फिर वहाँ से चली जाती है। और मकाटो सबसे माफ़ी मांगती है। वाइस प्रेसिडेंट क्रोमियो से कहता है, क्या तुम मकाटो के साथ बाहर गए थे और उसे स्कूल से बाहर निकालने को कह रहा था? क्रोमियो कहता है, ये तुम्हारा है ना? और क्रोमियो लैपटॉप में वह फ़ोटो देख लेता है। और प्रेसिडेंट कहता है, मुझे नहीं पता ये किसने किया। और क्रोमियो वहाँ से चला जाता है। ये देख के वाइस प्रेसिडेंट घबरा जाता है। वैम्पायर अंकल उसे बार बार खून सक करने को कह रहे थे। क्रोमियो कहता है, तुम्हें उससे क्या? तो उसके वैम्पायर अंकल उसे थप्पड़ मार देते हैं। भूल जाओ कि तुम कौन थे, खुद को तैयार करो। और यहाँ पे मकाटो वह फ़ोटो देखती है जो कि उसने पहले खिंचवाई थी। वह देखते कि हर किसी फ़ोटो में क्रोमियो है ही नहीं। और मकाटो सारे फ़ोटो चेक करती है। ये सब देखकर मकाटो हैरान हो जाती है। और फिर एक वैम्पायर एक लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसे एक काट लेता है। और ये बात स्कूल में फैल जाती है और कुछ लड़के कह रही होती है, वह वैम्पायर सिर्फ सुंदर लड़के को काटता है। तो सारे लड़के डर जाती है। तो लड़के कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी भी तरह से सुंदर नहीं हो। तो हीरोतो को तकाके की चिंता होती है। मकाटो कहती है कि तुम 10 सालों से कहाँ थे और तुम फ़ोटो में क्यों नहीं आ रहे थे, क्या तुम भूत हो? क्रोमियो कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे फ़ोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता, आपको पता नहीं चला होगा पर मैं फ़ोटो खिंचवाने के टाइम वहाँ से चला गया था। पर मकाटो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। और तकाकी उन दोनों को साथ में म्यूजिक रूम से निकलते देख लेती है। और तकाकी मकाटो से कहती है, क्या तुम कुलमेघन से प्यार करते हो? और कहती है, आप बहुत बुरी हो। और यहाँ पे क्रोमियो जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे फ़ोटोशॉप दिखती है, तो वह अपने फ़ोटो खिंचवाता है पर वह उसमें नहीं दिखता। यह देख कर क्रोमियो को बहुत अजीब लगता है। और यहाँ पे क्रोमियो आवाज़ का पीछा करता है। जैसे ही वो उस जगह पे पहुँचता है और वहाँ पर एक दूसरा वैम्पायर दिखाई देता है, क्रोमियो कहता है, छोड़ दो उसे। जब वह वैम्पायर पलट के देखता है तब क्रोमियो कहता है, क्या तुम वैम्पायर हो? फिर वह वैम्पायर क्रोमियो की बात ना मान के खून सक करने लगता है। क्रोमियो कहता है, छोड़ दो उसे। और फिर वह दोनों लड़ाई करते हैं जिसमें क्रोमियो घायल हो जाता है। सो तो सबको बता रहा था कि जो भी लड़के घायल हो रही है उसके पीछे वैम्पायर का हाथ है, पर उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। और वह वैम्पायर एक लड़की को वश में कर लेता है और फिर वह प्रेसिडेंट को भी वश में कर लेता है। और यहाँ पे क्रोमियोगन घायल होता है इसलिए गिर जाता है और उसके अंकल देख लेते हैं। और उसके अंकल कहते हैं, ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये काम ज़रूर वैम्पायर ने किया है। और फिर वह टीचर बन जाता है। थोड़ी देर बाद वह मकाटो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर वह उसको नहीं देखती और चली जाती है। और क्रोमियो के अंकल कहते हैं, वह कौन हो सकता है, मुझे उसे ढूंढना होगा। और उस नए टीचर के ऊपर सभी लड़कियां अजीब रिएक्ट कर रही थी और श्रोता को न्यू टीचर के ऊपर शक होने लगा था। और यहाँ पे न्यू टीचर सबको एक्सरसाइज करा रहा था और यहाँ पे श्रोता और हीरोतो को न्यू टीचर के ऊपर शक हो रहा था। हीरोतो कहता है, तुमने देखा, सब लोग जॉम्बी की तरह टीचर की बात मान रहे हैं। और वैम्पायर अंकल ये सब कुछ देख लेते हैं। और यहाँ पे क्लास में सभी लड़कियां मेकअप कर रही थी और यहाँ पे मकाटो की बात कोई नहीं सुनता। तकाकी के चेहरे के साथ साथ उसके मैनर्स भी बदल गए थे। वैम्पायर अंकल उस वैम्पायर को ऐसा ना करने को कहते हैं और वह वैम्पायर कहता है, नहीं, पर वह तो क्रोमियो से बदला लेने आया था। मकाटो न्यू टीचर को वार्निंग देती है, तुम्हें इस स्टूडेंट को नहीं बिगाड़ना चाहिए। यह बोल के वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे श्रोता और हीरो तो ये सब कुछ देखकर चौंक जाते हैं। और फिर श्रोता और हीरो तो उस टीचर की कमजोरी ढूंढने में लग जाते हैं। और जब वह टीचर बाहर निकलता है रोशनी देखकर डर जाता है। बाद में श्रोता और हीरो के ये सब कुछ देख लेते हैं और वह दोनों मकाटो को अपने प्लान में शामिल कर देते हैं। और वह दोनों मकाटो को बताते हैं कि वैम्पायर क्रॉस से डरते हैं और वह कहते हैं, वैम्पायर की आंखों में मत देखना। मकाटो को वैम्पायर की बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, पर वह वैम्पायर श्रोता को पकड़ लेता है और वह उसकी आंखों में देख लेता है। और यहाँ पे हीरो तो छुप जाता है और वैम्पायर के आने का इंतजार करता है, पर वहाँ पर श्रोता आ जाता है। उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है।
फिर शोतो हीरोतो के हाथ में से प्लस साइन ले लेता है और उसके ऊपर काला कपड़ा ढक देता है और वहाँ पर वही वैम्पायर आकर हीरोतो को वश में कर लेता है और उसे पता चल जाता है क्रोमियो जिसे पसंद करता है वो मकाटो है। और मकाटो देखते ही सभी स्टूडेंट्स पुतले की तरह बैठे हैं और जब वो वैम्पायर बोलता है उठो, फिर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं और मकाटो के पास आने लगते हैं और वह डर जाती है और यहाँ पर क्रोमियो उठ जाता है। क्रोमियो उसमें आते ही मकाटो को बचाने चला जाता है और वैम्पायर अंकल कहते हैं रुको, तू उस वैम्पायर का सामना नहीं कर पाएगा और वह तेरी प्रेमिका को मार देगा। और यहाँ पे वैम्पायर टीचर मकाटो को बेहोश कर देता है। जब वह ब्लड सक करने वाला होता है तभी पीछे से क्रोमियो आ जाता है और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और वह वैम्पायर कहता है चाहे तू इंसानों से जितना भी प्यार कर ले वह तुझे मॉन्स्टर ही समझेंगे। जैसे ही मकाटो होश में आती है वह वैम्पायर उसका खून सक करने के लिए चल जाता है और यहाँ पे क्रोमियो अपने पावर से उसकी आंखों में चोट पहुँचाता है और वह वैम्पायर कहता है बेवकूफ और फिर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स ठीक हो जाते हैं और उसके वैम्पायर अंकल ये सब कुछ देखकर चले जाते हैं। और यहाँ पे क्रोमियो मकाटो को कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मकाटो ये सब कुछ सुन के हैरान हो जाती है। और वहाँ पे मकाटो आती है और कहती है मेरे लिए तुम अभी भी अयुम हो और कहती है मैं तुमसे नहीं डरती और कहती है क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। और रात में क्रोमियो की आंखें लाल हो जाती है और वह सिंजो को ब्लड सक करने लगा था और वहाँ पे सिंजो की मोम आती है और मस्ती करता देख वह कहती है शोर मत करो, तो वह सॉरी बोल कर चला जाता है क्योंकि उसकी बॉडी इंसानी खून मांग रही थी। फिर क्रोमियो जाकर मकाटो का खून सक कर लेता है और फिर मकाटो भी वैम्पायर बन जाती है। और फिर वह अचानक सपने से उठ जाता है और कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता। और यहाँ पे मकाटो प्रेसिडेंट को रिंग वापस देकर सॉरी बोल के चली जाती है और प्रेसिडेंट गुस्से में होता है। क्रोमियो जो कभी भी गार्लिक की डिश नहीं खाता अचानक से गार्लिक की डिश खाने लगता है तो वह सभी लोग खुश हो जाते हैं पर उसकी आंखों में आंसू थे। और सभी स्टूडेंट्स को खुश होते देख वह भी खुश हो जाता है और उदास भी। और फिर हीरो तो क्रोमियो को बुलाता है पर क्रोमियो कहता है दूर रहो मुझसे, तो वह पूछता है क्या मैंने कुछ गलत किया है। वह कहता है नहीं, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। और वह बाइक लेकर चला जाता है। तकाकी क्रोमियो से बात करने के लिए आती है। क्रोमियो कहता है हीरो तो बहुत अच्छा लड़का है, वह तुम्हें सच में लव करता है तो तुम्हें उसे चांस देना चाहिए और गुड बाय कहकर चला जाता है। रात में क्रोमियो मकाटो के घर पर आता है और यहाँ पर मकाटो बहुत ज़्यादा डर जाती है और क्रोमियो उसका खून चूसने के लिए आगे बढ़ता है पर मकाटो बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ती है जिसके कारण वह होश में आ जाता है और वह सॉरी बोल कर चला जाता है। और यहाँ पे दोनों ही रो रहे थे। क्रोमियो स्कूल में नहीं आया होता है इसलिए हीरोतो को उसकी चिंता होती है। यह देखकर तकाकी सोचती है कि उसने सही कहा था, तुम अच्छे इंसान हो। मकाटो क्रोमियो को लेकर उदास थी तभी वहाँ पे वैम्पायर अंकल आते हैं और कहते हैं अगर तू क्रोमियो को बचाना चाहती है तो अपना खून उसे पिलाना होगा, तो वह उसे बचाने का सोचती है। और फिर वाइस प्रेसिडेंट मकाटो को ज़बरदस्ती चर्च लेके आता है और उससे ज़बरदस्ती शादी करने लगा था पर मकाटो वहाँ से भाग जाती है पर वह उसे थप्पड़ मार देता है। फिर क्रोमियो अपने पावर से वाइस प्रेसिडेंट को उड़ा के फेंक देता है और वह बेहोश हो जाता है। मकाटो क्रोमियो गन को ढूंढने लगी थी पर वह तो वहाँ से चला गया था। मकाटो ढूंढती ढूंढती म्यूजिक रूम तक पहुँच जाती है जहाँ पर क्रोमियो बैठा था। वह उसे जाने को बोल रहा था पर वह उसके गले लग कर कहती है मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मेरा खून पी लो। क्रोमियो कहता है कि मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकता, तो फिर आगे क्रोमियो बेहोश हो जाता है और वह हैरान था। मकाटो क्रोमियो को अपने घर पे लेके आई थी तो वह खुद को बांधने को कहता है ताकि वह उस पर अटैक न करे पर मकाटो मना करती है पर क्रोमियो को बार बार कहने पर वह उसे बांध देती है। रात में क्रोमियो मकाटो को ब्लड सक करने की कोशिश कर रहा था तो वह खुद से ही अपना ब्लड उसको पिलाने वाली थी पर वह खुद पे कंट्रोल कर रहा था। वह सबको बताता है कि क्रोमियो गन एक मॉन्स्टर है क्योंकि कई लोगों ने उसको गायब होते हुए देखा है, तो दादाजी उसे भगा देते हैं। फिर कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्रोमियो को पकड़ने के लिए मकाटो के घर पर घुस जाता है पर वह तो वहाँ से गायब था। और यहाँ पर क्रोमियो के बारे में बातें फैल जाती है। वह लोग मकाटो से पूछने लगे थे पर मकाटो बात को टालने लगी थी और यहाँ पर सब लोग क्रोमियो से डर रहे होते हैं। जब वह घर पे आता है उसके परिवार वाले उसको अच्छे से बुलाते हैं। श्वेता को थोड़ा सा शक होता है। हीरो तो कहता है हमें अपनी दोस्ती पर भरोसा रखना चाहिए
स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट सभी स्टूडेंट्स के सामने क्रोमियो के वैम्पायर बनने की वीडियो बताते हैं। यह वीडियो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर मकाटो आती है। मकाटो ये देखकर वह वीडियो बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर क्रोमियो उन्हें बताने वाला था कि मैं एक वैम्पायर हूँ। उससे पहले दादाजी शिंजो को चुप रहने को कहते हैं और यहाँ पर सभी लोग क्रोमियो के बारे में पूछ रहे थे, तो सभी लोग क्रोमियो को मॉन्स्टर समझ के जाने लगे थे। ताकाकी हीरो तो श्रोता इसलिए चल जाते हैं क्योंकि मकाटो उन्हें कुछ नहीं बता रही थी। और यहाँ पे शिंजो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर क्रोमियो उसे बाय बोलकर वहाँ से चल जाता है। फिर लोग उनके घर में घुस जाते हैं। फिर दादाजी कहते हैं तुम लोग अपने वर्ताव को देख बताओ सबसे बड़ा मॉन्स्टर कौन है। मॉन्स्टर तो तुम लोग हो, उस बेचारे बच्चे की गलती क्या है। और वह लोग रोने लगते हैं और वहाँ पर मकाटो उन्हें समझाती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वहाँ पर क्रोमियो का नाता है, फिर एक लड़का पत्थर फेंकता है। वह कहता है सॉरी मैंने इंसान बनने का नाटक किया, पर मैं वैम्पायर हूँ। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मकाटो कहती है वह पहले इंसान था, मेरा फर्स्ट लव। क्रोमियो कहता है मैं यह ब्लड सक करने आया था, मकाटो और तुम लोग की अच्छाई ने मुझे बदल दिया। और सबको बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा था, पर हीरो तो रोने लगा था। पर वाइस प्रेसिडेंट का क्रोमियो को पकड़ने का प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट क्रोमियो को कुछ नहीं बोलता। मकाटो सबके सामने कह देती है कि मैं क्रोमियो से लव करती हूँ। वैम्पायर अंकल भी क्रोमियो से गुस्सा नहीं था, तो क्रोमियो खुश हो जाता है। जब क्रोमियो का अम्ब्रेला नीचे गिर जाता है तब मकाटो उसे उठा लेती है। फिर वह दोनों हाथ पकड़ते हैं और वह दोनों एक साथ बातचीत करते हैं। फिर वह अपना ब्लड चूसने को कह रही थी क्योंकि फुल मून होने वाला था। वह कहता नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से अपनी लाइफ जियो। वह रोने लगती है इसलिए क्रोमियोगन उसके गले लग जाता है। बाद में क्रोमियो उसे स्माइल करने को कहता है, वह स्माइल करती है तो वह उसे किस कर देता है और वह गायब होने लगता है। तो फिर वह जोर जोर से रोने लगती है, पर क्रोमियो की स्माइल करने की आवाज़ सुन के वह भी स्माइल करती है। फिर कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं वह पहले की तरह सब लोगों को पढ़ाने लगी थी। हालांकि क्रोमियो स्कूल में नहीं है पर अभी भी सबके दिल में है। शिंजो अपनी फैमिली की तस्वीर देख रहा होता है। इसी तरह ड्रामा का एंड हो जाता है।